है गाइस, वेलकम टू माय चैनल भारतीय लाइफस्टाइल विद कुकिंग। सो बहुत दिन के बाद आज मैं फिर से यूट्यूब पे आपके लिए वीडियो बना रही हूँ। करीब 2 मंथ्स हो गया मैंने यूट्यूब से गैप ले लिया था बिकॉज ऑफ माय हेल्थ इश्यूज़। एंड ऑल्सो आप अगर कुछ हटके करने जा रहे हो तो बहुत सारे जो लोग होते हैं आपको डिमोटिवेट करते हैं। अगर आप सीढ़ियाँ चढ़ रहे हो तो पीछे से टांग खींचने की कोशिश करते हो जिससे आप फिसल जाते हो, तो वही कुछ ऐसे ही समझो। तो बट इन 2 महीने में मैंने ऑब्जर्व किया है कि लोग जो है मेरे वीडियोस देख रहे हैं और व्यूज़ आ रहे हैं, जिससे मुझे थोड़ा सा मोटिवेट मिल रहा है। तो मैंने सोचा कि जब इतने दिन का गैप होने के बाद भी लोग मेरे वीडियो को पसंद कर रहे हैं तो मुझे वीडियोस बनाने चाहिए। बट मुझे इसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट है कि कुछ हटके करो और लोगों तक आपके जो भी टिप्स है, जो भी नॉलेज है, आपके जो भी न्यूज़ से वो लोगों तक पहुँचे, तो इसीलिए मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था। और मैंने एक और ऑब्जर्व किया है कि यूट्यूब पे ऐसे कितने ही चैनल्स हैं जो कि फालतू वीडियोस बनाते हैं बट उसमें व्यूज़ मिलियंस में, हज़ारों में होते हैं, सब्सक्राइबर हज़ारों में होते हैं। गाइस, मैं आपको यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि जो बंदे वीडियोज़ अच्छे बनाते हैं, जो आपको नॉलेज देते हैं, आपको उनके वीडियोज़ देख के अच्छा फील होता है, तो प्लीज़ उनको ही सपोर्ट कीजिए, ना कि फालतू वीडियोज़ आप देख के उन्हें उसे और बढ़ावा मत कीजिए। तो अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिए। और मेरे वीडियोस को आप सब्सक्राइब करने से मुझे बहुत ही खुशी होती है, बहुत मोटिवेशन मिलता है। सब्सक्राइब फ्री है, उसका कोई चार्जेस नहीं लगता है। और आप मेरे वीडियोस में अगर आपको कोई सजेशन देना हो, कोई टिप्स देना हो कि भारती जी ऐसा कीजिए, भारती जी ऐसा कीजिए, हमें ये पसंद आएगा, तो मैं उससे उस तरह की वीडियोज़ बनाने का कोशिश करती रहूँगी। और जो भी कमेंट्स करते हैं मैं हर एक कमेंट पढ़ती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं उसे नेग्लेक्ट करती हूँ, मैं उन कमेंट्स का रिप्लाई देने की भी कोशिश करती हूँ। मुझे बहुत खुशी होती है जब आप कमेंट्स करते हो, तो प्लीज़ कमेंट्स भी कीजिए, सजेशन भी दीजिए, मैं थोड़ा इम्प्रूव करूँगी मेरे चैनल्स को। मुझे जितना भी नॉलेज है एडिटिंग का वगैरह, मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं अपना 100% बेस्ट देने का कोशिश करती हूँ। कोशिश करूँगी कि मैं वीकली फ्राइडे को मेरा न्यू वीडियो अपलोड करूँ, क्योंकि डेली वीडियोस बनाना पॉसिबल नहीं है। और मुझे एक छोटा सा किड भी है, मुझे उसका भी टेक केयर करना है, और साथ ही मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, तो मुझे फैमिली के हिसाब से मुझे चलना होता है। तो बट मैं फ्राइडे को कंपलसरी वीडियो पोस्ट करने का ट्राई करूँगी। इसमें मुझे थोड़ा हेल्थ इश्यूज़ था, उसकी वजह से मैं नहीं आ पाई, यूट्यूब पर कंटिन्यू नहीं कर पाई। अब छोड़िए इन सब बातों को, तो मेन पॉइंट ये है कि कल शिवरात्रि है और हर शिवरात्रि को मैं फास्टिंग रखती हूँ, तो फास्टिंग रखती हूँ दैट्स व्हाई आज मैंने मेरे रूम का डीप क्लीन किया हुआ है। तो मैं आज उसका वीडियो आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कुछ टिप्स के साथ। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने से मुझे थोड़ी सी हिम्मत मिलती है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड सेकेंड थिंग, अगर आप मेरे होम टूर देखना चाहते हो, रूम टूर देखना चाहते हो, या फिर मंदिर टूर देखना चाहते हो, या फिर आपको ज्वेलरीज में इंटरेस्टेड है और मेरे पास कौन कौन से ज्वेलरीज है आपको देखने में इंटरेस्ट है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर, तो मैं उसकी वीडियोज़ आपके लिए ज़रूर लेके आऊँगी। तो चलिए, मॉर्निंग में मैंने मेरे रूम का क्लीनिंग कैसे किया है देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने बेड शीट वगैरह निकाल लिया है और अब पिलो कवर्स निकाल रही हूँ वॉश करने के लिए। तो सारे पिलो कवर्स मैं निकाल दूंगी। अब सारे पिलोज मैं निकाल के एक जगह पर रखने वाली हूँ ताकि अगर मैं साफ़ सफाई करते हो धूल वगैरह उसके ऊपर ना गिरे। और यहाँ पे मैंने यूज़ किया है बेडशीट जो कि वॉश करना था, तो यहाँ पे मैं इस तरह से बेड के ऊपर डाल रही हूँ ताकि मैं अगर क्लीन करूँगी तो बेड के ऊपर कुछ ना गिरे और गंदा ना हो। तो देखिए, यहाँ पे मैं झाड़ू से पूरा जो भी डेकोरेट वगैरह है सब क्लीन कर रही हूँ, कॉर्नर वगैरह। यहाँ पे आपको क्लीनिंग के लिए कोई एक्स्ट्रा इक्विपमेंट्स खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं, जो भी है आपके घर में उसका यूज़ कीजिएगा। तो देखिए, मेरा रूम जो है बहुत दिन से क्लीन नहीं हुआ है क्योंकि मेरा हेल्थ प्रॉब्लम था, बट यहाँ पे जितना भी क्लीन करो उतना गंदा होता है क्योंकि यहाँ पे पॉल्यूशन बहुत है, धूल वगैरह बहुत आता है रूम के अंदर। तो यहाँ पे मैं पूरा वॉल पे भी झाड़ू लगा रही हूँ ताकि जो धूल भी चिपके वो निकल जाए इजीली।
तो इस तरह से आपको पूरा वॉल पे भी क्लीन कर लेनी चाहिए ताकि जो भी धूल के पार्टिकल्स हैं वो पूरा निकल जाए। और यहाँ पे झाले वाले पड़े हुए थे वो भी क्लीन कर दिया है मैंने। तो इस तरह से मैं पूरा बेडरूम जो है झाड़ू से झाले वगैरह धूल वगैरह सब क्लीन कर लिया है। तो यहाँ पे देखिए कितना सामान फैला के रखे हुए हैं, तो इन सब को मुझे हटाना है। और यहाँ पे ड्रेसिंग टेबल के पास बहुत सारा सामान पड़ा हुआ है, यहाँ पे बेडशीट वगैरह कपड़े धोने के सब मुझे क्लीन करना है। तो अभी ये फ़ैन को भी क्लीन करना है। तो पहले मैं फ़ैन पे झाड़ू लगा रही हूँ ताकि जो भी एक्स्ट्रा धूल वगैरह है वो निकल जाए, उसके बाद मैं इसे कपड़े से क्लीन कर लूँगी। तो देखिए झाड़ू से एक्स्ट्रा जो भी और निकलना जितना निकलना होता है उतना धूल निकल जाएगा। और यहाँ पे लाइटिंग्स वगैरह भी क्लीन कर रही हूँ, जो भी डेकोरेट सामान है। अब जो बेडशीट था उसको निकाल के एक बार झटक लेना है ताकि उसके ऊपर जो भी झाले वगैरह धूल पड़ा हो वो नीचे निकल जाए। और बेड को भी एक बार झटक लेना है। और ये जो पिलो कवर्स है वो मैं अभी वॉशिंग मशीन में डालने वाली हूँ वॉश करने के लिए, तो तब तक यहाँ पे साइड में रख देती हूँ। तो जो भी अभी आपने झाड़ू मार दिया है पूरा एंटायर रूम, उसे एक बार फ्लोर पे भी झाड़ू मार लीजिए ताकि वो इधर इधर फिर से उड़े ना, तो एक बार झाड़ू मारने से अच्छा रहेगा। उसके बाद यहाँ पे मैंने पानी लिया है और उसके अंदर सर्फ डाला है और क्लीन क्लोथ से कॉटन वाली क्लोथ से मैं पूरा फर्नीचर वगैरह और वॉल वगैरह क्लीन कर रही हूँ, तो जो भी धूल होगा वो निकल जाएगा। और यहाँ पे जो वॉल पे वो पेंट किया हुआ है, तो अगर आप पानी से भी क्लीन कर लेते हो तो जो भी दाग वगैरह होते हैं वो निकल जाते हैं। तो मैंने भी वॉल पे कपड़े से और सर्फ से अच्छे से क्लीन कर लिया है। और ये जो साइड में टेबल है वो भी मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया है, क्योंकि यहाँ पे कभी कभी चाय वगैरह गिर जाती है, तो उसे भी अच्छे से साफ कर लिया है। तो मेरे बेडरूम में करीब 3 बड़े बड़े मिरर्स लगे हुए हैं, तो उसे भी क्लीन करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो यहाँ पे पहले मैं कपड़े से क्लीन कर रही हूँ, उसके बाद मैं पेपर से क्लीन करने वाली हूँ, क्योंकि उसके ऊपर जो कियान चॉकलेट वगैरह खा लेता है तो इसको मतलब लगा देता है, तो उसके दाग वगैरह हैं। और ये फ्रेम जो है इसको मैं ड्राई क्लोथ से क्लीन कर रही हूँ। ये वाला जो फोटो है वो मैंने मेरे हस्बैंड को बर्थडे गिफ्ट किया है और उसका व्लॉग भी मैंने वीडियो पे डाला है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं यहाँ पे आई बटन पे दे दूँगी, वो वीडियो जरूर देखिएगा। मैंने इसका रिव्यू किया है। सो ये फोटो है, तो इसे मैं ड्राई क्लॉथ से क्लीन कर रही हूँ। ये वाटर प्रूफ ही है, बट पता नहीं मुझे पानी इसके ऊपर पानी लगाना वो ठीक नहीं लग रहा है, सो मैं इसे ड्राई क्लॉथ से ही क्लीन कर रही हूँ। तो ये इजीली क्लीन हो जाएगा। सो फाइनली अभी टाइम हो चुका है फैन को क्लीन करना, जो कि बहुत टफ लगता है मुझे। अभी टाइम आया फैन को क्लीन करने का, तो यहाँ पे मैं क्लोथ से क्लीन कर रही हूँ अच्छे से। तो देखिए फैन क्लीन हो चुका है और ये जो फिर से बेडशीट जो मैंने डाला था उसको फिर से झटक रही हूँ, और साथ ही बेड को भी झटक लेने का ताकि जो भी धूल पार्टिकल्स वगैरह गिरे होंगे वो निकल जाएंगे। और यहाँ पे बेडशीट वगैरह सब थे वो मैं वॉशिंग मशीन में डाल रही हूँ धोने के लिए। तो यहाँ पे मैंने टाइमिंग सेट कर दिया है। और जो ये काम वाली आंटी है वो फ्लोर क्लीन कर रही है, पोछा लगा रही है। और ये जो ब्लैंकेट चादर वगैरह मैंने धो लिया था वो सूख गए हैं, तो उसे लेके फोल्ड करके मैं रख दूँगी। तो ये चादर भी धो दिया हुआ है, कल ही धो दिया था तो वो सूख गए थे, तो अभी उसको लेके मैं फोल्ड कर दिया है और इसे ड्रॉअर में रख दूँगी। तो ये बेड की
उसे मैं रख देती हूँ। अब इसके ऊपर ये बेडशीट डाल रही है। यहाँ पे दो साइड, टू इन वन बेडशीट है, एक साइड गोल्डन कलर है, एक साइड रेड कलर है। तो देखिए गोल्डन एंड रेड कॉम्बिनेशन में, तो आज मैं रेड कलर का बेडशीट यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पे साइड कॉर्नर में इस तरह से नॉट लगा के आप बेडशीट डालोगे तो जो भी बच्चे खेलेंगे, बैठेंगे, उठेंगे तो बेडशीट ख़राब नहीं होंगे। ये टिप नंबर वन है, जब भी आप बेडशीट डालोगे तो कॉर्नर में इस तरह नॉट डाल के बेड के नीचे लगा देनी है, तो बेडशीट जो है इधर उधर मूव नहीं होगा। इसी तरह मैं चारों कॉर्नर्स को नॉट लगा रही हूँ, देखिए इस तरह से। तो ये बेडशीट जो है 1 वीक तक भी ऐसे ही रहेगा, टस से मस नहीं होगा। अभी टिप नंबर टू, यहाँ पे पिलोज़ में यूजुअली एक ही पिलो कवर डालते हैं, बट मैं 2 पिलो कवर यूज़ करती हूँ। एक नॉर्मल कवर है, क्योंकि जब हम लोग सर मतलब हेड पे ऑयल वगैरह लगाते हैं, बच्चे ऑयल लगाते हैं, तो जब सोते हैं तो पिलोज़ जो है अंदर का वो ख़राब नहीं होंगे, बल्कि पिलो कवर में लगेंगे और जो वॉश करेंगे तो यूजुअली निकल जाएगा। बट अगर पिलोज़ में लगेगा ऑयल वगैरह दाग, तो वो यूजुअली धो नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 2 कवर्स यूज़ करती हूँ। तो उसी तरह आप भी 2 कवर्स यूज़ कीजिए, तो जो भी दाग ऑयल के वगैरह कुछ भी होंगे वो पिलो तक नहीं पहुँचेंगे। तो सारे पिलो कवर्स मैंने डाल दिए हैं, अभी पिलोज़ को बेड पे सजा रही हूँ। पे मैंने अच्छे से सजा दिया है, यहाँ पे ऑयल वगैरह जो कि क्लीन हो चुका है बेडरूम, देखिए कितना सुंदर लग रहा है। अच्छे से क्लीन हो गया और ये लाइटिंग। Hey guys, ये था मेरा रूम और मैंने इस तरह से मेरे रूम का सिंपल क्लीनिंग किया हुआ है। कल शिवरात्रि है, तो शिवरात्रि के लिए सभी लोगों को मेरा हार्दिक शुभकामनाएं। और अगर आप शिवरात्रि में मैं किस तरह से पूजा करती हूँ ये ब्लॉग आपको देखना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं डेफिनेटली शिवरात्रि ब्लॉग आपके लिए लेके आऊँगी। यहाँ पे जहाँ पे मैं रहती हूँ यहाँ पे नीचे लूम्स मशीन्स है और टेक्सटाइल मशीन से, तो उसका भी नॉइज़ बहुत आता है। उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकती, चाहे मैं कितना भी महंगा माइक यूज़ करूँ उसे मैं रिड्यूस नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि जस्ट मेरे बिल्डिंग के नीचे ही वो लूम्स मशीन्स है। एंड यहाँ पे जो भी एनवायरनमेंट है थोड़ा नॉइज़ पॉल्यूशन तो है ही, तो मुझे यहाँ पे साइलेंट बैकग्राउंड नहीं मिलेगा। अगर इसके लिए आपके पास कोई टिप्स है या फिर कोई आइडिया है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि मैं इस नॉइज़ को कैसे रिड्यूस कर सकती हूँ, क्योंकि जितना हो सके मैं उतना ट्राई कर रही हूँ कि मैं डोर्स विंडोज़ वगैरह क्लोज़ करके वीडियो बनाऊँ, बट वो नॉइज़ तो आती है। चाहे मैं नाइट को भी वीडियो क्यों ना बनाऊँ, नाइट में भी मशीन जो है कंटिन्यू चलता रहता है, तो उसके लिए मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।